हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएसके इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने सीखा लेसन फर्स्ट दफन दे हेड और उसकी एक्सरसाइज। आज हम देखेंगे पहली कविता, हमारा पहला पोयम है द रोड नॉट टेकन, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनको ली नाम से भी जाना जाता था। एक अमेरिकन लेखक और प्ले राइटर हैं, ये नाटक भी लिखा करते हैं और कविताएं भी लिखा करते हैं। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में या अमेरिका में पड़ता है 26 मार्च 1874 को हुआ था। तो चलिए हम अपना कविता देखते हैं। हमारी कविता है टू रोड्स डिवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एक बार की बात है, सड़क पर चलते चलते कभी एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां सड़क दो भागों में विभक्त हो गई है। एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। तो वही कहता है टू रोड्स डिवर्ज्ड, दो रास्ते विभक्त हैं इन अ येलो वुड। पीत वन में दो रास्ते जा रहे हैं, दो रास्ते विभक्त हो गए। पीत वन येलो वुड अर्थात जब आपके पेड़ से पत्तियां गिरती हैं मुरझा करके तो धीरे धीरे वो पीली हो जाती हैं, उन्हीं पीली पत्तियों के कारण उसे पीत वन कहा है कवि ने। दो रास्ते पीत वन में जा रहे हैं, दो रास्ते विभक्त होकर पीत वन में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और दुख की बात है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। चूँकि वह अकेला व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति हो, जब आप रास्ते पर जा रहे हैं तो आप एक ही रास्ते से जा सकते हैं, दोनों रास्ते पर नहीं जा सकते। तो वही कह रहे हैं कि टू रोड्स डिवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पीत वन में, पीले वन में दो रास्ते विभक्त हो रहे हैं और मुझे दुख है कि मैं अकेला हूँ और दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन वन एज फर एज आई कुड। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक यात्री की भांति, एक यात्री है चुकी वह कभी, तो कह रहे मैं एक यात्री की भांति लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर समय तक मैं खड़ा रहा। यहाँ वो बहुत देर समय तक खड़ा रहा और सोचता रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फर एज आई कुड, और एक को बहुत दूर तक, उतनी दूर तक देखता रहा जहाँ तक मैं आई कुड, मैं देख सकता था। अर्थात एक रास्ता यहाँ से खड़ा होने पर किसी व्यक्ति को कोई रास्ता कुछ दूरी तक दिखाई देगा, यहाँ तक मान लीजिए दिखाई दे रहा था तो वहाँ तक उसको देख रहा था, या इस रास्ते को यहाँ से खड़े होकर के यहाँ तक देख रहा था जहाँ तक वह देख सकता था, ऐसा कवि कह रहा है। फिर कह रहा है टू हेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मैं तब तक देखता रहा उस सड़क को, एक सड़क को दूर तक तब तक देखता रहा जब तक यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त नहीं हो गई। अर्थात यह सड़क आगे कहीं जाकर मुड़ी होगी, यहाँ जंगल होंगे, यहाँ जाकर वह लुप्त हो गई होगी। इस प्रकार कवि कहता है कि मैं अकेला दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, इसलिए खड़ा होकर के एक जगह से दोनों रास्तों को या फिर एक एक बारी बारी से देखता रहा तब तक जब तक कि वो कहीं जाकर मुड़ नहीं गए थे, जब तक वो दिखाई दे रहे थे तब तक मैं उसे, उन रास्तों को देखता रहा। कहने का मतलब है कि कभी अनिश्चय और दुविधा की स्थिति में है, इस पर जाएं या इस पर जाएं, देख रहा खड़ा होकर। कभी कभी आपके जीवन में भी दुविधा आती है, जैसे आपको एडमिशन लेना रहा होगा तो आपकी दुविधा आपके सामने आई होगी कि नौ में हम एडमिशन कहाँ लें, इस स्कूल में लें, इस स्कूल में लें, नहीं इस स्कूल में लें। यही दुविधा कभी के सामने भी है कि इस रास्ते पर जाएं या फिर या इस रास्ते पर जाएं। आगे देखिए देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, कुछ देर अनिश्चय की स्थिति में था वह, निश्चय नहीं कर पा रहा था, जैसे आप भी रहे होंगे, कुछ दिन तक सोचे होंगे, लोगों से पूछे होंगे, विचार किए होंगे, फिर सोचा होगा कि चलो ठीक है डीवीएसके इंटर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चूँकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ चीज़ें अच्छी हैं, चलो वहाँ एडमिशन लेते हैं। उसी प्रकार से कुछ देर अनिश्चय की स्थिति में सड़क को देखने के बाद देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने दूसरा मार्ग चुना। कुछ देर अनिश्चय की स्थिति में रहने के बाद उसने दूसरा मार्ग चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जो उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। देन टूक द अदर, फिर उसने दूसरा चुना जस्ट एज फेयर,
वह उतना ही अच्छा था जितना पहले वाला, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद दूसरा पहले से अधिक अच्छा था। और क्लेम मतलब होता है दावा, तो कह रहा है कि शायद दूसरा पहले से ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि यह हरा भरा था, इस पर घास थी, एंड वांटेड वियर, और इस पर अभी तक कोई चला नहीं था, और इस पर अभी इसका हम भावार्थ देख रहे हैं, इस पर कोई चला नहीं था। चूँकि देखिए आपके जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता वह होता है जिस पर लोग चलते हैं, उसे कहते हैं लीक, उस पर आप चलें तो समझ लीजिए लीक हो गया। एक होता है लीक से हटकर अलग चलना कुछ, जैसे यहाँ से आपको घर जाना है तो एक रास्ता है जो सभी गए हैं, एक आपने खेत वाला चुन लिया, हालांकि वो खेत वाला आपको कष्ट भी देगा, हो सकता है आपके पैर में कुछ लग जाए, लेकिन वह शायद जल्दी पहुँचा दे या फिर शायद वह देर कर दे। उसी प्रकार से उसे पता नहीं था कि कौन सा चुनूं कौन सा अच्छा है, उसे लगा कि दूसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसने दूसरा वाला चुना, क्योंकि उस पर उसने देखा कि हरे भरे घास थे और उस पर कोई चला भी नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि मैं वहाँ से जब गुजरा, जब वह वहाँ से गुजरा, इस रास्ते को मान लो उसने चुना, जब इस रास्ते से गुजरा, हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, तो आगे चलने पर पता चला कि कोई इस पर चला है, कि कोई इस पर गया है, लेकिन यह पहले जैसा था, अर्थात जैसा उसने पहले सोचा था कि शायद इस पर कोई नहीं चला है, वैसा ही था, बस उसे थोड़ा सा लगा कि शायद इस पर कोई चला है, लेकिन कोई चला नहीं था वाकई में। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें बहुत ऊँची चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, सभी के सामने एक स्थिति आती है कि जहाँ उसे दो में से एक चुनना होता है, वह दो में से एक, जो साहसी लोग होते हैं वो हमेशा दूसरा चुनते हैं, क्योंकि ऐसा काम ऐसी चीज़ कोई नहीं किया होता है, और पहला वो आसान होता है, उसे सब किए रहे होते हैं, तो पहला चुनने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे नौ में सभी ने इंग्लिश लिया, संस्कृत लिया, लेकिन किसी ने कंप्यूटर लिया, किसी ने उर्दू ले लिया, जिसे उर्दू नहीं आती थी उसे सीखने की ललक थी, उसने उर्दू ले लिया, इस प्रकार उसने दूसरा रास्ता चुना, जो हो सकता है उसके समकक्ष, उसके जानने वाले में से, उसके रिलेटिव किसी ने उर्दू नहीं लिया हो, या फिर दूर बाद में पता चले कि किसी ने उर्दू लिया था, लेकिन फिर भी उसने उर्दू लिया और आगे जाकर देखा, हाँ उन्होंने उर्दू तो लिया था, लेकिन बाद में 10 में जब गए तो वो अपना विषय बदलवा लिए थे, अर्थात वह पहले जैसा ही था, यानी कि जैसा तुमने पहले सोचा था कि किसी ने उर्दू नहीं लिया था वैसा ही था, वह दूसरे रास्ते पर चला, उसे लगा कि इस पर कोई नहीं चला है, और यह घास का मैदान भी था, इस पर घास उगी हुई थी, इसलिए वह दूसरे रास्ते पर चला, बाद में जाके पता चला कि इस पर कोई चला है, मतलब इस रास्ते से भी कोई गुजरा है, लेकिन यह पहले जैसा ही था, बस एक आध बार कोई गुजरा था। तो ये हमारा पहला पोयम है, पहले पोयम का दो स्टेंजा हमने पढ़ा, शेष अगला दो स्टेंजा हम अगले दिन पढ़ेंगे, इसको आप दोहराइएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिए, या फिर यहाँ नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।